दिनों के बाद यहाँ, मतलब 4-5 दिन से मैं ही हूँ, और देखा गया कि कल रात को ही यहाँ बर्फ शुरू हुई। तो आज इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम ऊपर तक आए और यहाँ बर्फ पड़ रही है। बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। और इतनी ड्राई स्पेल के बाद काफ़ी जो मौसम इतना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, खुदा की नियामत। टूरिस्ट काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लाइक अगर आप अभी देखो तो पूरे जम्मू कश्मीर में और बाकी के हिमाचल बाकी एरियाज में हर जगह ड्राई है। तो कल रात से ही जो है ज़्यादा बर्फबारी शुरू हुई और लोगों को यहाँ जम्मू से यहाँ आना ईजी रहता है। नज़ारा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है नज़ारा। लाइक अगर आप देखें तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है, और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ी और लोगों के लिए काफ़ी राहत वाली चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो अपर रीचेज़ हैं और जो हमारी भद्रवाह वैली है, वहाँ पे स्नोफॉल हुई है और स्नो एक्युमुलेट हुई है। इसके अलावा हमारा जो डोडा रीजन है, यहाँ पे भी आज सुबह स्नोफॉल हुई थी, जो प्लेन एरियाज हैं। इसके अलावा हमारा भलेसा ठाठरी एरिया है, ठाठरी में कम है पर भलेसा में भी काफ़ी स्नोफॉल हुई है। तो इस सब के मद्देनजर रखते हुए जितनी हमारी रोड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे NHIDCL हो गया, BRO हो गया, RNB, PMGSY और हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इन सब ने अपनी अपनी मशीन्स तैनात कर दी हैं। जितनी रोड्स हैं उनको क्लियर करने का काम जारी है, और मेन प्रायोरिटी हमारी दी जा रही है पहले NHIDCL को, दूसरा हमारे BRO की रोड्स जो कि भद्रवाह की है, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी विजिट कर रहे हैं तो उनको ऑल टाइम थ्रू रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं और STH हैं, GMC हैं, इनको क्लियर करने का हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, और ये सारे रोड सिस्टम थ्रू हैं, जैसे फायर एंड एमरजेंसी हो गया या ये हेल्थ हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने जो इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग्स का टाइम टू टाइम लेके सबको तैयार रखा था, और आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स आ नहीं रही है। हमारा एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फंक्शनल है, नंबर्स पब्लिक डोमेन में, बट स्टिल जो भी कॉल्स आ रही हैं उनको हम टाइम टू टाइम कैटर कर रहे हैं और उनका ध्यान। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट का ट्विटर हैंडल है, उसमें हम टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं और क्या क्या एडवाइजरीज वो भी शेयर कर रहे हैं। तो हमारी मशीन्स ऑलमोस्ट हर जगह पे तैनात हैं, NHIDCL में चल रही है, हाईवे पे तो वैसे ज़्यादा एकुमुलेशन हुई नहीं है, बट BRO की रोड्स जैसे गोल्डनडा को जाने वाली रोड, उस पर एकुमुलेशन था, तो वहाँ पे मशीन इस टाइम भी फंक्शनल है, रोड क्लियर की जा रही है। और कुछ रोड्स एहतियातन हमने क्लोज किए हैं, जैसे पदरी की रोड थोड़ी हमने क्लोज की है, क्योंकि एवलांच के भी थोड़े बहुत हमें खतरा रहता है, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए लो वार्निंग आई है, बट हम उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना जो भी नेसेसरी था वो सारा किया। मेरी एक एडवाइजरी रहेगी हमारी तमाम जनता से कि जो हमारे ये बेल्ट्स हैं, भद्रवाह और भलेसा बेल्ट हैं स्पेशली, यहाँ पे अब स्नोफॉल अच्छी हो रही है, तो वी एक्सपेक्ट कि लोग बाहर आएंगे, दे वुड वॉन्ट टू गो आउट, बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम गाड़ियों से ट्रैवल करें, स्पेशली उन सड़कों पे जहाँ पे स्नो की एक पतली सी लेयर अभी भी है, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस होती हैं, तो दिस मे कॉज एक्सीडेंट। बाकी थोड़ा मौसम खुलता है तो फिर तो हम भी आपके साथ चलेंगे। टूरिज्म के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो भद्रवाह में हो, डोडा में हो, भलेसा में हो, हमने सबकी रोड्स को खास ख्याल दिया गया है, और स्पेशली गोल्डनडा की रोड को इस टाइम क्लियर कर दिया गया है, बट फिर भी एहतियातन हमने जहाँ पे एक थिक क्लियर है वहाँ पे हमने थोड़ी सी अभी रोक टोक रखी है, स्पेशली फॉर प्राइवेट व्हीकल, क्योंकि उनके कई बार हादसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की।